और दूसरी बात, सप्तर्षियों ने यह कही कि आप किस औढ़रदानी को, बावरे को अपना पति बनाने जा रही। कहो कवन सुख असवर पाए, भल बूढ़े ठग के बौराए। कभी कभी अच्छे बुद्धिमानों की भी अक्ल मारी जाती है ठगों के चक्कर में आने पर, और तुम भी नारद जैसे ठग के चक्कर में पड़ गई हो, इसलिए तो तुम ऐसा बावरा, श्मशान में रहने वाला, भांग पीने वाला, डमरू बजाने वाला, दर दर पर भटकने वाले उस ऑर्डर दाने को तुम अपना पति बनाने जा रही। तो पार्वती जी ने अपने पति में, इष्ट देव में निष्ठा दिखाई। सप्तर्षियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने इतनी तपस्या कर ली, हम लोग महात्मा हैं, संत सरल चित परम हित, संत बड़े सरल चित होते हैं, दयालु होते हैं। अब आप सोच रही होंगी इतनी तपस्या कर ली, अब अगर मैं कोई और तुम्हें देवता बताऊंगा तो फिर आपको फिर तपस्या करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी पार्वती जी, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसा पति बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपको तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। हम आपका समर्थन कर देंगे, हम आपके तरफ से उनसे प्रशंसा कर देंगे। और जिस पति को मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसा वैसा नहीं है, तीन लोकों में विख्यात है, क्षीर सिंधु में निवास करता है, गावहि वेद जासु जस लीला, वेद जिनकी कीर्ति का गान करते हैं, गावहि वेद जासु जस लीला, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठ में निवास करने वाले, बहुत सुंदर गुणों की, सदगुणों की राशि हैं, उन्हें आप पति के रूप में वर्णन कर लो। लेकिन पार्वती जी ने अपने इष्ट के प्रति निष्ठा का प्रतिपादन करते हुए कहा कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरो शंभु नत रहो कुमारी। कोटि जन्म लग, एक जन्म तो क्या, यदि मुझे अपने इष्ट देव जो मेरे गुरुदेव ने बताए हैं, मेरे भोले बाबा विश्वनाथ जी, एक जन्म तो क्या, करोड़ों जन्म भी अगर तपस्या में मेरे खप जाएं तो भी मैं विश्वनाथ को ही प्राप्त करना चाहूंगी, और मैं किसी को अपने जीवन में भूल करके भी स्थान नहीं दूंगी। यही है तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेश। जब उन्हें इस प्रकार से अपने गुरु में और इष्टदेव में निष्ठा का प्रतिपादन किया, सप्तऋषि साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे, बागर था प्रतिपत्तये जगता पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरौ, बागर था विव संप्रतौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वर। हे भवानी क्षमा कीजिएगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप शिव और पार्वती, आप दोनों अलग हैं ही नहीं, अर्धांग हैं आप, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम तो भगवान शंकर जी की ही आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए आपको पास में हम आए, भला आपको कोई अलग कर कैसे सकता है, क्योंकि आप अलग हैं ही नहीं, तो कोई भी आपको अलग कर नहीं सकता है। हम आशुतोष अवधरदानी के भेजे हुए हैं, उन्होंने हमें आपके पास में भेजा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपके साथ में विवाह करेंगे, इसलिए अब आप यहां से उठ करके आवहि पिता बुलावन जमही, तो हट पर हर घर जायू तबही। जब आपके पिता आपको बुलाने के लिए आए उस समय आप हट का परित्याग करके आप उनके साथ में घर चली जाना, अब आपका शंकर जी के साथ ही विवाह होगा। पर कुमार संभव में इधर तो कहते हैं कि गए वहां पर हेमवंत जी, उन्हें लेकर के चले गए, लेकिन कुमार संभव में जो शंकर जी का दिव्यतम चरित्र है उसमें पार्वती जी सप्तऋषियों के कहने से घर गई नहीं, पिताजी के भी कहने से घर गई नहीं, खुद आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ जी को ही उनके सामने आना पड़ा है।
छुपा करके वेश धारण करके आए, परीक्षा ली और अंत में अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा के पार्वती जी को आश्वस्त किया कि हमारे साथ में आपका विवाह होगा। हिमवंत जी महाराज उन्हें लेकर के चले गए, लेकिन अब स्थिति यह है कि जिनके साथ में विवाह होना है वो भगवान शंकर जी तो फिर समाधि में बैठ गए। पहले 87,000 वर्ष की समाधि लगी थी, अब कितने हजार वर्ष की समाधि होगी कोई पता नहीं। शिव समाधि बैठे सब त्यागे, सब कुछ त्याग करके समाधि में बैठ गए। और इधर तारकासुर नाम का भयानक दैत्य धरती पर उत्पन्न हुआ, जिसके अत्याचार अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार के कारण संपूर्ण पृथ्वी व्यतीत होकर के गौ रूप धारण करके करुण क्रंदन करके रो उठी। रोती हुई गौ स्वरूपा वसुंधरा को देख करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि देखो सच बात यह है कि तारकासुर को कोई भी देवता मार नहीं सकता, मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसके भाग में लिखा हुआ है संब शुक्र संभूत सुत यही जीते रण सोए। भगवान शंकर की शक्ति से उद्भूत जो बालक होगा वो बालक ही इसको परास्त कर सकता है और कोई इसे मार ही नहीं सकता। अब कहा शंकर जी का तो कोई बेटा है नहीं, अब बेटा होगा तो शादी होगी तब होगा। और शिव समाधि बैठे शिव त्यागी, शंकर जी समाधि में बैठे हुए, किसकी हिम्मत है जो भगवान शंकर जी को समाधि से हिला सके, क्या करना चाहिए। उस समय देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग की और उस मीटिंग में देवराज इंद्र वरुण कुबेर सुरेश समीर आदि सब आए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी उसमें भाग लिया। और सबसे पहले समस्या ये थी कि शंकर जी को समाधि से कैसे उठाया जाए, समाधि शंकर जी की समाधि भंग कैसे की जाए, किसमें ये साहस है कि वो शंकर जी की समाधि को भंग कर सके। तब देवराज इंद्र को अपने मित्र की याद आई, देवराज इंद्र के मित्र हैं कामदेव, कामदेव का आवाहन किया और समस्त देवताओं के बीच में कामदेव से निवेदन किया कि ये जो विशिष्ट दैत्य है इसका वध भगवान शंकर जी के पुत्र से ही हो सकता है और शंकर जी का विवाह हो तब पुत्र पैदा हो, तो इसलिए एक काम करो तुम तो उनकी समाधि को आप हिला। कामदेव ने कहा कि आप कितनी आसानी से मुझे मौत का रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं शंकर जी को समाधि से हिला दूं। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, भगवान शिव के प्रतिकूल चलने पर मेरी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी कामदेव ने संसार में एक धर्म की स्थापना करने के लिए बड़ी सुंदर बात कही कि यद्यपि मैं शंकर जी का विरोध करके मौत का भाजन बनूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ काम करूंगा। तदपि करव मैं काज तुम्हारा, तदपि करव मैं काज तुम्हारा, श्रुति का संत संत प्रसन्न
संतत संत प्रशंसा ते ही। जो परोपकार के लिए अपने जीवन का भी उत्सर्ग कर देता है सतपुरुष संत लोग संतत मनी अनवरत लगातार उसकी प्रशंसा करते। शिवी दधीच हरिचंद कहानी आज तक लोग बार बार हरिश्चंद्र जी को याद करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, क्योंकि रामचरित मानस में कहा गया है सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म तो कहते हैं परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा क्षम नहीं यदमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य नहीं है, और दूसरे को दुख देने से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है अपने स्वार्थ के लिए। कभी कभी ट्रेन में देखो, अब तो थोड़ी हमारी यात्राएं कम हो गई, ये तो पहले ट्रेन में चलते थे, तो अगर रिजर्वेशन अपना ना हो और अपनी बारी हो तो किसी की सीट पर जाकर के बैठ जाएंगे। अरे भाई साहब कौन इस सीट को लेकर के जाएगा, क्या आपके साथ लेके जाओगे, अरे चार कदम की तो बात है, हिल मिल करके चलो सब। खूब उपदेश देंगे, और अगर कहीं अपना रिजर्वेशन हो दूसरा को, चलो चलो आगे बढ़ो आगे जाओ। अपने नहीं फिर वो दया धर्म आता के बुजुर्ग है, चलो थोड़ा सा ऐसे तो हम उपकार करते नहीं है, सीट बनी बनाई है इसी पर बैठा ले, सुख दे दे थोड़ी देर के लिए। दूसरे के लिए उपदेश बहुत परोपकार, इसलिए परहित लाग पर उपदेश कुशल बहुतेरे। रामचरितमानस में कितना सुंदर रावण उपदेश देता है कुंभकर्ण के मरने पर, मेघनाथ के मरने पर, नश्वर रूप जगत सब देखा और नहीं बचा। इतने ज्ञान उपदेशा रावण और आपन मंद कथा शुभ पावन, अपने अंदर में कोई वृत्ति नहीं उनको। और यही बात श्रीमद् भागवत में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कर रहा है, नित्य आत्मा व्याह शुद्धा सर्वगा सर्ववित्परा। आत्मा तो नित्य है, ये थोड़ी मरती है। हिरण्याक्ष के मारे जाने पर जब लोग रो रहे थे तो सप्तम स्कंद के प्रारंभ में ही ये विषय आता है। इसलिए और वेदव्यास जी महाराज तो कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। किसी ने कहा कि 18 पुराणों में वेदव्यास जी ने केवल दो ही बातों को लिखा है, उजागर किया है, इनको नोट कर लो कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में दो बातों को ही बार बार समझाने की चेष्टा की है कि परोपकार आए पुण्य आए। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है, और पापाए पर पीड़नम्, दूसरे को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए तो किसी संत ने कहा है नहीं चाहिए दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसे, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहे, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं
झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुझको एक दिल झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुझको एक दिल झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुझको एक दिल झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल झुकाना किसी का नहीं चाहिए, दिल झुकाना किसी जाएगी सब। कितना ही अथक परिश्रम कर करके रुपया पैसा कमा कमा करके बैंक में रखते जाओ, कितना भी कमाते जाओ, लेकिन जीव जब जब चला तब अकेला चला, एक भी धेला तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं। और चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, चाहे जितने खिताब पालो, कितनी भी डिग्रियां, कितने भी सम्मान पत्र अपनी छाती से रख लो, लेकिन मरते समय एक भी सम्मान पत्र, एक भी डिग्री डिप्लोमा आपके साथ में जाने वाला नहीं है। शौहरत यहीं पर बह जाएगी सब। जितनी भी ख्याति है, प्रशस्ति है, वो सब यहीं तक है, इस धरती तक, यहां से ऊपर नथिंग, कुछ भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। तो दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, दौलत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, शोहरत यहीं पर बह जाएगी। दूसरे के अंदर में दोषों का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं,
चाहे वो प्रवचन का क्षेत्र हो, चाहे गान का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का क्षेत्र। इन्होंने ये गलती कहा, इनको ये नहीं कहना चाहिए था, इन्होंने ऐसा कहा, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और ये भूल जाते हैं कि अपन कहाँ है। इसलिए एक बात कही जाती है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। लक्ष्मण जी ने यही बात परशुराम जी से कही थी कि महाराज दूसरे की बुराइयों को देखने से आप आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके आप अपने अंदर में झांक करके देखो कि आप कहां खड़े हो। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध के वशीभूत हो तुम, तुम्हारा शरीर लाल हो गया है, तुम कांप रहे हो। इसलिए तो ध्यान रखना चाहिए, बुराई न किसी घर की तुम निकालो, तो पहले तो अपने आप को संभालो, तो पहले तो अपने आप को संभालो। बुराई न किसी घर की तुम निकालो, बुरा है का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं। इधर आ जाइए रामदलाल जी, आ जाओ। तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ठाकुर जी की दिव्य मंगलमय कृपा का अनुभव करना चाहिए। कामदेव कोई साधारण नहीं है, यही कामदेव श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान का पुत्र होना कोई साधारण वस्त है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्र मनुना स एव जातो वैधर्व्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा। क्योंकि जिस चित्त में परमात्मा का स्थान है, ये काम भी उसी चित्त में प्रादुर्भूत होते हैं। कितनी सुंदर बात कामदेव ने कही है कि श्रुति कहे परम धर्म उपकार। श्रुतियां कहती हैं कि सबसे बड़ा धर्म उपकार है, इसलिए तदपि कर्म में काम तुम्हारा। श्रुति का है परम धर्म उपकार, श्रुतियां कहती हैं उपकार परम धर्म है। इसलिए आइए हमारे श्रीमद् भागवत और राम कथा के बहुत अच्छे विद्वान हैं श्री राम विलास चतुर्वेदी जी, तो उनका बहुत बहुत आशीर्वाद। और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमारे राम मंदिर के जो पुष्प खिले हुए हैं ना, उन्हीं रत्नों में से एक हमारे श्री रामविलास चतुर्वेदी जी पुराणाचार्य ज्योतिषाचार्य विभिन्न विभूतियों से विभूषित हैं। श्रीमद् भागवत में सनातन संस्कृत संस्था की स्थापना और अनेकों समाज सेवा के कार्य सनातन संस्थान के माध्यम से, पंचांग भी आपका निकलता है, ज्योतिष में भी आप विशिष्ट हैं। तो ऐसी जो दिव्य मंगलमयी ठाकुर जी की कृपा है, कामदेव ने कितना सुंदर प्रेरणा दी। कामदेव कहते हैं श्रुति का है परम धर्म उपकारा, श्रुतियां कहती हैं कि परोपकारा है सताम विभूतिया, परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। और वहां से कामदेव जी चल देते हैं। सोना शीर महाराज
कामदेव जब वहां पर अशकह चले बारिचर केतु और क्षणमहु मिटे सकल श्रुति सेतु, क्षणमहु मिटे सकल श्रुति सेतु, अशकह चले बारिचर केतु। ये कामदेव की जो ध्वजा है ना, ये जो ध्वजा है, इस ध्वजा में वारिचर केतु मछली का चिन्ह है। ये हमारे महंत जी महाराज पधार रहे हैं, नाम हाँ श्री श्यामदास जी महाराज जी, बहुत सुंदर राम कथा के प्रवक्ता हैं महाराज। और दूसरे गुरु भाई हैं हाँ श्री राम जी राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। तो कामदेव को बारिचर केतु कहा गया है, मछली ही उनकी ध्वजा का चिन्ह है। और कोपियु जब ही बारी चर केतु तो क्षणमहु मिटे सकल श्रुति सेतु। जब कामदेव भगवान कुपित होकर के अपनी शक्ति का विस्तार किया तो एक क्षण में क्षणमहु मिटे सकल श्रुति सेतु। श्रुतियों ने जो आस्था के, विश्वास के, धर्म के जितने भी सेतु संस्कार के बनाए हुए थे कि इन संस्कारों से चल करके हम मानव जीवन का उद्धार करें, क्षण एक क्षण के अंदर में सकल श्रुति चेतु छिन्न भिन्न हुए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, ये सब सेतु है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नामा नाना, और इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, सदा चार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। इस प्रकार से सारे के सारे नियमावलियों का छिन्न भिन्न कर दिया और इतनी विचित्र स्थिति प्रकृति की हुई कि जड़ चेतन मुर्दों के अंदर में भी काम ने कामवर्ती का संचार कर दिया। संगम करें तलाव तलाई है, जहां अस दशा जड़न की वर्णी तो को कह सके सचेतन करनी, पक्षु पक्षी नव जलथल चारी, भय काम बस समय विसारी। ऋषियों मुनियों के संदर्भ में ये लिखा, देखें जो निषिद्ध ब्रह्म में ते नारी में देखत रहे, जो अपने अंतःकरण में निरंतर ब्रह्म का ही चिंतन करते थे, अब उनकी वृत्तियां नारी की ओर चली गई। छनमो मटे सकल सुत सेतु, तो कहते हैं उस समय पर कोई भी धैर्य को धारण नहीं कर पाया, लेकिन धर्म का मूल कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि जे राखे रघुवीर ते उबिरे ते काल महु। कुछ लोग बच गए, कौन से लोग बच गए, बोले जे राखे रघुवीर, जिनको राम जी ने बचा लिया, जिन्होंने जिनको राम जी ने रख लिया, ते उबरे ते ही काल महु। तो किसी ने पूछा, फिर राम जी तो बड़ा भेदभाव करते हैं, क्या भेदभाव करते हैं, कहा किसी को उन्होंने रख लिया और किसी को छोड़ दिया, जिनको रख लिया वो तो बच गए, जिनको छोड़ दिया वो डूब गए। धरी न काहू धीर, कोई भी उस विषम परिस्थिति में धैर्य को धारण नहीं कर पाया, ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाया। धरी न काहू धीर, सबके मन मन से जे हरे,
सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। तो कहा धर्म का मूल चला गया? बोले नहीं, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काले महु। जिनको राम जी ने बचा लिया वो उबर गए। कहा राम जी ने किसी को क्यों बचाया, किसी को छोड़ क्यों दिया? बोले नहीं नहीं, इस पंक्ति का ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? कहा राम जी ने किसी को रखा ऐसा नहीं, जिन लोगों ने पहले से ही अपने हृदय के अंदर में राम जी को रख रखा था, ते उबरे ते ही काल महु। जे राखे रघुवीर, जिन्होंने अपने हृदय में राम जी बैठे हुए थे, वहां पर काम का प्रवेश नहीं हो पाया। क्योंकि गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है कि जहां राम तहां काम नहीं है, जहां काम नहीं राम। रजनी एक ठाऊं गुणसाई, रवि रजनी रवि रजनी एक ठाऊं गुणसाई, रवि रजनी एक ठाऊं। एक मैदान में एक ही योद्धा विजयी होगा, एक जंगल में एक ही शेर डांग मार सकता है, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एक युद्ध मैदान में एक ही धनुर्धर रहेगा। राम भी धनुर्धारी हैं, काम भी धनुर्धारी है, लेकिन जहां पर जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु, जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। जिन लोगों ने अपना अंतःकरण में राम जी को विराजमान किया हुआ था, श्री रामचंद्र कृपालो भजमनहरण भव वैदारणम, वहां पर काम का प्रवेश नहीं। काम समस्त सेतु बंधों को उजाड़ता हुआ सा सीधे वहां जा पहुंचा, जहां आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ जी तपह में साधना लीन होकर के तपस्या में बैठे हुए थे। काम ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई और फिर अंत में उसने तमाम अप्सराओं का निर्माण किया। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, रंभाधिक सुर नारी नवीना, सकल असंसर कला प्रवीणा, करें गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीणे पान पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुण्य प्रपंच पुनि नाना। विभिन्न प्रकार की उसने कलाएं कर ली, लेकिन शंकर जी को समाधि से नहीं हिला सका। तमाम प्रकार के जितने भी काम के बाण थे, अंत में काम ने व्याघ्रात नाम के एक बाण को छोड़ा और भगवान शंकर जी की समाधि खुली। और जो ही उसने बाण को छोड़ा, शंकर जी को लगा भगवान शंकर जी ने अपना नेत्र खोला। पर ध्यान रखना, ये कौन सा नेत्र खोला? पहले उन्होंने अपने सामान्य दो नेत्रों को खोला और दोनों नेत्रों को विवेकमयी निग्रह निष्ठा के साथ में परिता घुमाया चारों तरफ विवेक पूर्वक। क्रोध में सीधे हम ये कर देंगे ऐसा नहीं किया। शंकर जी क्रोध में कुछ भी अविवेक पूर्ण कदम कभी नहीं उठाते। भगवान शंकर जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, तुरंत शाम केने के उपज में लगे हुए एक आम्र वृक्ष की बल्लरियों को हिलते हुए देखा। आम के वृक्ष पर कामदेव बैठा हुआ था, डाल को जरा उसने, क्योंकि ये डालें झुकी क्यों, इतना मूर्ख था कि हिला रहा था डाल को। कहानी वो डाल नहीं हिल रही थी, उसने आम के जिस डाल को पकड़ रखा था वो हिल रही थी, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। अब वो समझ रहा था कि मेरी मौत ने आंख खोल ली है, इसलिए वो कप कपा करके एकदम उसके हाथ कांप रहे थे। उससे जो डाली पकड़े हुए था वो डाली कांप रही थी। शंकर जी समझ गए कि यहीं पर है कोई अपराधी। चारों तरफ नजर घुमाई, सौरभ पल्लव मदन विलोका और भय कोप कंपे मदन को देखा। और कोई होता तो छोड़ देते विश्वास, ये काम कि मेरा क्या लेना देना है।
मेरी साधना में बाधा करने का उद्देश्य उसका क्या है। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा तुम संतों को यही करते हो कि भगवान की भक्ति से च्युत करते हो, आज हम तुमको खबर ही ले लेते हैं। और तब से वो तीसर नैन उघारा, उसके बाद में भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला। ये नेत्र तो हम सबके पास में होता है, लेकिन ये नेत्र हमारा और आपका खुलता नहीं है, क्योंकि सदगुरु की कृपा से ही ये तीसरा नेत्र खुलता है। चक्षुर उन्मीलितम येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येनो तस्मै, इसलिए ज्ञानांजन को लगा करके शलाका से और वो जो नयन को उन्मीलित करता है। तीसरा नेत्र ये विवेक का नेत्र है। और अगर हम आपसे पूछ दें कि भगवान शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रलय होती है। क्या निकलता है, आप कहेंगे धधकती हुई आग जो त्रैलोक को नष्ट कर दे, ऐसी आग निकलती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये विवेक का नेत्र है। विवेक का, ज्ञान का केवल इतना ही काम है कि वो अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लेता है और बुराइयों को निकाल देता है। अगर अच्छाई है तो उसे स्वीकार कर लेता है और बुराई को हटा देता है। स्वर्ण को अग्नि में डाला जाता है, स्वर्ण को नहीं जलाता। स्वर्ण के ऊपर जो अवयव चढ़े हुए होते हैं उन अवयवों को जला करके स्वर्ण की चमक उसे लौटा देता है। भगवान शंकर जी ने स्त्री से देखो, अगर भगवान शंकर जी के इस तीसरे नेत्र से क्रोध ही निकलता होता तो भगवान के कितने नेत्र हैं? तीसरे नेत्र। कामदेव को तो ने एक ही तीसरे नेत्र से देखा, लेकिन हमारे राम जी जब दुल्हा सरकार बनकर के जनकपुर में निकले तो भगवान शंकर जी ने तब भी तीसरे नेत्र खोला था, तो राम जी को भस्म हो जाना चाहिए। और एक दो तीसरे नेत्र नहीं खोले, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर राम रूप अनुरागे, और मान जी आगे क्या है, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। पंचदश कितने नेत्र? 15, क्योंकि 5 मुखारविंद हैं और पांचों मुखारविंद में 3-3 नेत्र हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, और पांचों मुखारविंद में 3-3 नेत्र, सभी में 3 नेत्र हैं, और 5 × 3 = 5 × 15, और इस प्रकार से भगवान शंकर जी के पास में कितने नेत्र हैं? 15 नेत्र, 3-3 नेत्र एक एक मुखारविंद में। और फिर ऐसा नहीं कि भगवान शंकर जी ने जब राम जी को देखा हो तो केवल 2 ही 2 आंखें खोली हो और बीच बीच वाली आंखें बंद रखी हो, सब खोली उन्होंने। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, 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 शंकर राम रूप अनुरागे। अनुराग में डूब गए शंकर जी, ये तीसरा नेत्र अनुराग में डूबने पर भी खोलते हैं। ये विवेक का नेत्र अनुराग में भी चाहिए, वैराग्य में भी चाहिए और संसार में भी चाहिए। बिना तीसरे नेत्र के तो किसी में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, अनुराग में भी नहीं मिलेगी, वैराग्य में भी नहीं लगेगी और संसार के सौहाग में भी नहीं लगेगी। 3 नेत्र की हर एक अवस्था में स्थिति है। इसलिए
शंकर जी ने अपने चरित्र के माध्यम से ये सिखाया कि ये जो काम पांच विकार माने गए हैं, काम क्रोध ये चार हैं, काम क्रोध मद लोभ, चारों को बुरा कहा जाता है कि भगवान ये हटा लो हमसे, लेकिन इन चारों के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। क्या संसार को से अगर काम क्रोध मद लोभ हटा लिया जाए तो संसार चल सकता है? हर एक प्राणी के मन में कोई ना कोई कामना तो होती है, कामना के बिना संसार रह नहीं सकता। काम, अगर कामना ना हो तो खेत लोग किसान लोग खेती ही ना करेंगे, इसलिए कामना के बिना, काम के बिना संसार नहीं चल सकता। क्रोध, भगवान श्री राम जी को भी रावण पर क्रोध करना पड़ा, सीता जी तो बहुत समझा रही थी कि आपको शस्त्र नहीं रखना चाहिए, आप जब वैरागी बनकर के उदासीन व्रत लेकर के जंगल में आए हो तो आप ये शस्त्र क्यों धारण करते हो, इन शस्त्रों को देख करके देखो जितने भी खग मृग जीव जंतु रहते हैं वो आपको शिकारी मान करके भाग खड़े होते हैं, आप बाहर रहते हो तो सब मेरे पास में खेलते रहते हैं, हिरण जीव जंतु सब मेरे पास में, शेर के बच्चे भी जानकी जी की गोद में लेट करके अटकेलियां करते हैं, और जानकी जी प्रेम का, क्योंकि वो सिंह वाहिनी है, भगवती है, जगत जननी है, दुर्गा अमित कोट अरिमर्दन, ऐसी उद्भव स्थिति श्रृंगार कारणी श्रेष्ठ श्रृंगार कारणी उद्भव स्थित श्रृंगार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेयस करीम नतो हम राम वल्लभा, ऐसी राम वल्लभा राम जी से निवेदन करते हैं आप शस्त्र क्यों धारण करते हो, तो राम जी उनको समझाते हैं, कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो समझाने से और उपदेश से भी मान जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर उपदेश का बल नहीं चलता उन्हें शस्त्र से ही हम संभाल पाते हैं। अब जब तुम्हारा हरण होगा तो तुमको पता लगेगा ये बाण क्यों रखे हैं, हाँ ऐसे तुम्हें समझ कुछ आएगा नहीं, इसलिए राम जी को भी क्रोध करना पड़ता है। काम क्रोध मद, और मद के बारे में तो बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो मद तो चाहिए। और लोभ, वो स्वामी जी कहते हैं स्वामी की ममता तांगी बटो मम पद मन जी बांध बरडोरी, मम पद मन जी बांध बरडोरी, मम पद मन जी बांध बरडोरी, मम पद मन जी बांध बरडोरी। सारे संसार से ममता की वृत्ति को हटा करके राम के पादारविंदों से आप ममता रूपी रस्सी से मन को बांध दो, उसकी भी जरूरत है। तो काम क्रोध मद लोभ चारों के बिना संसार नहीं रह सकता, लेकिन स्तुति में हम यही कहते हैं कि इन चारों को मिटा दो। भगवान शंकर जी ने कहा मिटाना किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसको संयमन करना सीखो, कब किस वस्तु का प्रयोग कहाँ कितनी मात्रा में किया जाए। जीवन में क्रोध होना चाहिए लेकिन उतना ही होना चाहिए जैसे कि दाल में नमक डालते हैं, कहीं आप नमक में ना दाल डालने लग जाए, नहीं तो उल्टा हो जाए कि नमक में दाल डालने लग जाए। हाँ एक बात मुझे स्मरण आती है, हमारे पूज्य गुरुदेव वाराणसी में शास्त्रार्थ के लिए कभी कभी जाया करते थे, मैं उनके साथ में भी जाता था। अब एक बार रात्रि को 11:30 बज गए आते आते, और 11:30 बजे जब घर में घुसे तो गुरु माता जी बहुत ही गुस्सा प्रकृति की थी, गुरु जी भी डरते थे उनसे। अब हम भी साथ में थे, कुछ खाया पिया था नहीं, वहां तो क्या शास्त्रार्थ में थोड़ा थोड़ा कुछ प्रसाद दे दिया गया था। 11:30 बजे लौटे, खूब घनघोर भूख लगी हुई थी। अब वो गुरु जी ने कहा कि कमलदास जी हमको अपनी तो चिंता नहीं है, आप जरा माता जी से पूछ लो, अगर कुछ बना हुआ रखा हो तो अपन दोनों लोग थोड़ा खा पी के पानी पी लेंगे। गुरु जी नहीं पूछ पाए क्योंकि वो मुझ पर बात सल करती थी,
जब हम जाते थे तो बड़ी करुणा कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती थी, कभी मुरब्बा कभी ये कभी वो। तो मैंने कहा माता जी गुरु जी शास्त्रार्थ करके लेट आ गए हैं कुछ, कहा कि भाड़ में जाओ गुरु और चेला, रात को 12 बजे आओगे बना करके रखेंगे, खिचड़ी बनी है खाना हो तो खाओ, नहीं चुपचाप गुरु चेला सो जाओ बाहर वाले कमरे में। अब खूब डांटा उन्होंने। अब हमने कहा कि गुरु जी वो खिचड़ी रखी हुई है तो हम आप थोड़ा सा हमको बता दीजिए तो हम उस पर स्टोव पर रखकर या हीटर पर रख करके गर्म कर लेते। कहा नहीं नहीं कमलदा जी, हीटर शीटर जलाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा फिर क्या करें, बोले 5 मिनट के लिए उनके सिर पर रख दो बटुए को उसी से गर्म। तो किसी किसी का स्वभाव ही सिर ही हरदम 1000 वाट के हीटर की तरह जलता हुआ रहता है। इसलिए शंकर जी ने यह बताया कि क्रोध जीवन में आवश्यक है, लेकिन जब क्रोध की आवश्यकता हो उसी समय क्रोध का प्रयोग करें, उसके बाद में आप शांत हो जाएं। जैसे आप देखते हो ये हमारे तबला लेकर के जब हमारे भैया बैठते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसी समय ठुक 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 करते हैं और उसके बाद में फिर ध्यान देना जो ही कथा खत्म हुई फिर ठुक ठुक शुरू होती है। ये क्या मतलब होता है, बजाना होता है तभी चढ़ाते हैं उसको और जहां से बज गया फिर उतार देते हैं। अगर कहीं ज्यादा चढ़ गया बजाया तो फूट जाएगा और अगर नहीं चढ़ा तो आवाज नहीं निकलेगी, फुस फुस करेगा फिर। इसलिए क्रोध जीवन में आवश्यक है, काम क्रोध मद लोभ इसके बिना संसार नहीं चलता, लेकिन समय पर ही उनका प्रयोग करो। अनावश्यक रूप से 24 घंटे अपने सिर को 1000 वाट के बराबर मत जलाओ, गर्म मत रखो, क्रोध में मत भरे रहो, क्योंकि क्रोधी दूसरे का कल्याण बाद में करता है। क्रोध सबसे पहले अकल्याण उसका करता है जिसके अंदर में क्रोध आता है। कभी किसी को जोर से क्रोध आया हो तो आप उसके चेहरे को देखो, इतना कमजोर हो जाता है व्यक्ति कि अगर थोड़ा सा धक्का दे दो गिर जाएगा क्रोधी आदमी। तो क्रोध जो होता है बड़ा भयानक होता है, ये पहले अपना नाश करता है जिसके अंदर में आता है। क्योंकि आप देखते हो हीटरों को देखना, कभी हीटर जो अगर आपने पहले जलाए जिनमें कॉल लगी हुई रहती है तो वो बहुत जलती रहती है और जलने के बाद में जब वो ठंडी होती है उसी समय पर अगर आप किसी चीज से लोहे से छू दो ना उसको, करंट में मत छूना, अच्छा जब करंट हटा लेता हो नहीं तो कहो कि अच्छा उपाय बताया। करंट जब ना हो तो उसके छू को देखो, बिल्कुल राख की तरह टूट जाएगी तत्काल, वो ठंडे हो जाने के बाद में ही मजबूती आती है। जब तक वो गर्म रहती है तब तक एकदम कमजोर रहती है। कॉयल को आप देख लेना, उसके तार को ठंडे हो जाती है तभी उसमें मजबूती आती है। लोहे को कब हथौड़ा मारा जाता है, जब गर्म होता है, ठंडे होने के बाद में हथौड़ा कुछ काम नहीं करेगा उसके ऊपर। इसलिए क्रोध पाप कर्म। इसलिए भगवान शंकर जी ने तब से वो तीसर नयन उघारा, तो तब से वो तीसर नयन उघारा, तब से वो चितवत काम भयो जयकारा, चितवत काम भयो जयकारा, तब से उती सल नयन उघारा, तब से उती सल नयन उघारा, चितवत काम तब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके काम को जला करके खाक कर दिया। देखते ही देखते काम सूखी लकड़ी की तरह जलता हुआ खाक के रूप में परिणत हो गया और वहीं छुप करके कामदेव की पत्नी रति जो काम के अभिवर्धन में सहायक होती है वो खड़ी हुई देखती रही अपने सामने ही। उसने पति को जलने के बाद में राख के रूप में पंडित हुए जब देखा तो रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पह गई।
विभिन्न प्रकार से विलाप करते हुए भगवान आशुतोष के श्री चरणों में गिर पड़े। कहा कि हे विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हो, लेकिन आपने तो एक अबला को अनाथ बना दिया। भगवान शंकर जी अत्यंत औदारदानी हैं, तत्काल रति को विलाप करते हुए देख करके उन्हें दया आ गई और उन्होंने एक वरदान दिया और ये कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई है हरण महामहिभारा, तो कृष्ण तनय हो यही पति थोरा, बचन अन्य था हो ये नमो रति गविनी सुने शंकर बानी और कथा पर अब कहो बखानी। इस प्रकार से रति ने वहां से प्रस्थान किया और कहते हैं कि कथा अपर अब कहो बखानी। इधर क्या हुआ, भगवान शंकर की ज्यों ही समाधि खुली और भगवान शंकर जी कुछ देर तक तटस्थ भाव से इधर उधर देखते रहे, फिर उनकी आंख बंद ना हो जाए दोबारा ऐसे दृष्टि से तत्काल सारे देवता जुड़ करके सामने आकर के शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। पृथक तिनु कीने प्रशंसा और भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उनसे प्रश्न पूछा, कहो अमर आए कही हेतु। इस चौपाई में शंकर जी ने बड़ा मधुर व्यंग किया देवताओं के ऊपर कि आप किस लिए हमारे पास आए, आप तो अमर हो, आपको मृत्यु का तो डर है नहीं। देवताओं ने रोते हुए कहा, ये अमरता ही हमारी अभिशाप बन जाती है कभी कभी। बोले कैसे, कहा कि अगर कोई दैत्य के पकड़ में हम आ जाएं, तो अगर मरना धर्मा हो तो कम से कम महाराज मर तो जाए, लेकिन हम अमर हैं इसलिए चाहे जितने दिनों तक चाहे जितनी देर तक पीटते रहे हमें मरना है नहीं, केवल कष्ट उठाना है, यही समस्या। इससे अच्छा कि हमें अमर मत बनाओ, हमें मरण ही धर्मा बना दो, हमें अमर ही नहीं बनना। भगवान ने कहा, कहो अमर आप तो अमर हो, किस लिए पधारे हो। लेकिन रामायण में और भागवत में देवताओं को सदा स्वार्थी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्वकारी कुशलम सुरा कथामृत, वो सुधामृत लेकर के आ गए ना देवता लोग, सुधा कुंभम गृहीत्य देवास्तप समागम, सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकारी कुशलम सुरा। सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने कार्य को साधने में परम कुशल देवता लोग बोले। और यही यहां पर कहा गया कि आए देव सदा स्वार्थी। ये देवता कैसे हैं, बोले सदैव स्वार्थ की वृत्ति में डूबे हुए रहने वाले हैं, लेकिन वचन कहें जनो परमार्थी। वचन ऐसे बोलते मानो कि परमार्थी, बड़े परोपकारी। शंकर जी ने पूछा कैसे आए, बोले कुछ नहीं बस थोड़ी सी एक अभिलाषा है। बोले क्या, बोले आपका घर बसते हुए देखना चाहती है। बोले हमारा घर, बोले हाँ, बोले निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे दीवार। आपका जो घर उजड़ गया ना, सती जी बिचारी पूरी हो गई, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आपकी शादी हो जाए, आपका घर बस जाए, आपके बच्चे बच्चे ऊपर, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह, आपका घर बसते हुए देखना चाहते। भगवान शंकर जी ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया, देवताओं के कहने से शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उनको याद आ गया कि मेरे इष्ट देव आज्ञा दे करके गए थे कि जो मुंह पर निजने हो, अब विनती मम सुनाओ से हो, जो मुंह पर निजने हो, जाहि विवाह हो शैल जहे,
यह मोहि मांगे देव। बात तो वही देवताओं ने भी कही है, बात वही राम जी ने भी कही है, लेकिन राम जी ने पार्वती जी के पक्ष से यह बात कही है कि जाए विवाह हो शैलज हैं, यह मोहि मांगे देव। लेकिन देवता लोग अपने हित से कह रहे हैं कि अगर आप विवाह कर लेंगे तो फिर आपका कार्तिकेय पुत्र हो जाएगा और तारकासुर मर जाएगा और हम फिर अपना धन धन समृद्धि को पा जाएंगे। अलग अलग चिंतन है। भगवान शंकर जी राम जी के आदेश को स्वीकार करते हैं। तो इधर महाराज पत्री सप्तर्षण सो दीनी गहपद विनय हिमाचल दीनी, हिमाचल कीनी कामदेव के जारे जाने के बाद में महाराज सप्तर्षि सीधे वहाँ पर हेमवंत के यहाँ पर पहुँचे और रास्ते में मिल गई भगवती पार्वती जी। पार्वती जी से एक व्यंग कस दिया कि हम पहले ही कह रहे थे कि शंकर के साथ विवाह करने से क्या फ़ायदा, उन्होंने तो काम को ही जला के खाक कर दिया। अब काम वासना की वृत्ति से तो विवाह किया जाता है और जिसने काम को जला दिया अब बोले कहो कवन सुख असवर पाए, अब क्या सुख मिलेगा जब काम को ही जला दिया। पार्वती जी ने भी उसी प्रकार से विनम्रतापूर्ण भाषा में कहा कि महाराज तुम्हारे लाग काम अब जा रहा, आपकी दृष्टि से बाबा विश्वनाथ काम को अब जलाया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे काम अब जा रहा, अबलग शंभु रहे सभी काल। क्या अभी तक भगवान शंकर जी काम के विकार के साथ में जी रहे थे? हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनवद्य अकाम अभोगी, जो अस शिव स्वे अस जानी। अगर मैंने इस श्रद्धा के साथ में शंकर जी की उपासना की है तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी।